अस्सलाम वालेकुम। इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट द थर्ड चैप्टर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। इसके बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इसके स्टार्ट में दो डेफिनेशंस दी गई हैं जो कि हम सबको आती हैं। इसमें वही है जो हमने अभी तक पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास के जो क्लाउड कंप्यूटिंग है ना, उसका उसका सेंट्रल आइडिया क्या है। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग का सेंट्रल आइडिया क्या है। जो पीछे दो डेफिनेशंस थी वो मैंने इसलिए एक्सप्लेन नहीं की क्योंकि उसमें वही सब लिखा हुआ जो अभी तक हमने पढ़ा है, ठीक है। सेंट्रल आइडिया क्या है? यूज़र को इस बात की कोई परवाह नहीं है कि पीछे सर्वर पे किस तरह प्रोसेसिंग हो रही है, सिर्फ उसे ये कंसर्न है कि उसको सर्विसेज कौन कौन सी अवेलेबल हैं, ठीक है। यूज़र को कोई इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि बेचारा जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है वो उसके हमें जो सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए कितनी एफर्ट कर रहा है। यानी जो हमें स्केलेबिलिटी डायमेंशंस में सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जो है वो नए सर्वर्स लेकर आता है, फिर उनकी कॉन्फ़िगरेशन, कम्युनिकेशन, ये सारे एफर्ट्स को उसको देखना पड़ता है। लेकिन क्लाइंट को इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं, उसे बस ये पता है कि क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या है। यानी उसका जो रिस्पॉन्स टाइम है सर्वर से, जो उसका रिस्पॉन्स टाइम है, उसमें फ़र्क नहीं आना चाहिए। उसको एफिशेंटली जो है ना उसको, और एड जो जिस टाइम रिक्वेस्ट करें उसी टाइम उसको रिस्पॉन्स मिल जाना चाहिए। उसको बस इस चीज़ से कंसर्न है, से क्वालिटी ऑफ सर्विस से कंसर्न है, ठीक है। यूज़र डू नॉट वांट टू ओन द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। जो यूज़र है ना वो खुद कोई फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बाय नहीं करना चाहता, उसे रेंट पर नहीं लेना चाहता, वो बस पे एज यू गो के मेथड पर अमल करना चाहता है, ठीक है। कि जितना यूज़ किया उतना पे कर दिया। तो फिर एक्चुअल में यूज़र चाहता क्या है जब उसे किसी चीज़ से कंसर्न है नहीं? तो इन तीन लाइन से, ये जो ब्लैक में लिखी हुई है, यही नतीजा निकाला जाता है कि यूज़र को सिर्फ सर्विस की परवाह है और किसी चीज़ की परवाह नहीं है। यूटिलिटी कंप्यूटिंग क्या होता है? यूटिलिटी कंप्यूटिंग में ये आता है हमारे पास कि देखिए हमारे जो क्लाउड सर्विस, क्लाउड का ये जो प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर ये है कि एक जो पर्सन है वो हमें क्लाउड क्या प्रोवाइड करता है। सर्विस प्रोवाइडर मेक्स कंप्यूटिंग रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट अवेलेबल टू द कस्टमर एज नीडेड एंड चार्ज देम फॉर स्पेसिफिक यूजेज रेदर देन अ फ्लैट रेट। इसका मतलब ये है कि क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हमें वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो हमें चाहिए, लेकिन उसके लिए उन्होंने कोई फिक्स रेट नहीं रखा हुआ, ठीक है। जिस तरह हम मार्केट से चीज़ें बाय करना चाहते हैं तो उनका फिक्स रेट होता है कि इतनी क्वान्टिटी का इतना रेट, ऐसे कोई फिक्स रेट नहीं होता। आप जितना यूज़ करते हो उसकी, और उसको किस किस लेवल तक, कितनी स्ट्रेंथ में यूज़ करते हो, इस लिहाज से आपको बता दिया जाता है कि आपने कितना पे करना है। यानी जिस तरह हमने सीपीयू साइकिल में देखा था कि कहीं हम एक घंटे के लिए कहीं हम डॉलर्स में पे कर रहे थे और कभी हम सेंट्स में पे कर रहे थे। सेंट्स में तब पे करते जब हम जब सीपीयू की प्रोसेसिंग जो है वो एक लो लेवल एप्लीकेशन के लिए करें, लेकिन जब हम एक हाई लेवल एप्लीकेशन को रन करते हैं तो सीपीयू की ज़्यादा प्रोसेसिंग यूज़ होती है। जब ज़्यादा प्रोसेसिंग यूज़ होती है तो हमें ज़्यादा पे करना पड़ता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है हमारे यूसेज पे, ठीक है। इसी तरह व्हाट इज़ अ सर्विस, सर्विस क्या होता है? देखिए अच्छा यहाँ पे लास्ट पॉइंट था जिसमें एक्सप्लेन करना भूल गई। लास्ट पॉइंट ये है यहाँ पर कि हमारे पास ना जो क्लाउड का यूटिलिटी कंप्यूटिंग की जो मेन लाइन है ना वो यही है कि मैक्सिमाइज द एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज और मिनिमाइज द एसोसिएटेड कॉस्ट। यानी आपको क्लाउड जो है वो मैक्सिमम आउटपुट देता है विद मिनिमम कॉस्ट। तो इसे हम इस लाइन को, ये जो ये लाइन है मेन यूटिलिटी कंप्यूटिंग की, इसे हम कहते हैं यूटिलिटी कंप्यूटिंग के मैक्सिमाइज आउटपुट एंड मिनिमम विद मिनिमम कॉस्ट। सो व्हाट इज सर्विस, सर्विस क्या होता है हमारे पास? सर्विस इज व्हाट यू कनेक्ट टुगेदर यूजिंग वेब सर्विसेज। इस बात को आगे जाके एक्सप्लेन करूँगी, यहाँ नहीं करूँगी। देखिए सर्विस जो होता है ना वो वेल डिफाइंड होती है, सेल्फ कंटेंड होती है, वो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रही होती। यानी अगर मैं अमेजोन से ले रही हूँ क्लाउड की सर्विसेज, ठीक है, अमेजोन मुझे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि अमेजोन पहले गूगल से ले रहा है फिर मुझे प्रोवाइड कर रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो सर्विसेज जो है वो किसी दूसरे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की सर्विसेज पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास ये है, व्हाट इज वेब सर्विस, वेब सर्विस क्या होता है? अच्छा यहाँ पे वेब सर्विस को एक्सप्लेन और जो ये सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर है, इन दोनों को मैं एक साथ एक्सप्लेन करूँगी इस पिक्चर के थ्रू। ये पिक्चर मैंने बनाई है, इसे ज़रा समझते हैं।
सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, देखिए ये सर्विसेज है सारी, ठीक है, ये है सर्विसेज, और ये जो मैं लाइन नजर आ रही है ये है वेब सर्विस। हमारे पास एक एक क्लाइंट है, वो क्लाउड पे जाता है और वो कहता है कि मुझे सर्विसेज चाहिए। उसको एक सर ये फॉर एग्जांपल उसको ये सर्विस दे दी जाती है, लेकिन अब क्लाइंट को ना साथ में कुछ और फीचर्स भी प्रोवाइड करने हैं इसने, तो ये क्या करेगा, कुछ सर्विसेज इससे ले 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 लेगा और उन सर्विस इससे कुछ सर्विसेज को लेके अपने साथ ग्रुप करेगा और क्लाइंट को प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो ये जो इससे सर्विसेज लेगा ना, वो किसके थ्रू लेगा, वेब सर्विसेज के थ्रू लेगा। वेब सर्विसेज क्या करती हैं, दो सर्विसेज को आपस में कम्युनिकेट करने में हेल्प करती हैं। वेब सर्विसेज के थ्रू दो सर्विसेज आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं फॉर डेटा एक्सचेंजिंग, ठीक है। दो सर्विसेज आपस में वेब सर्विसेज के थ्रू डेटा को एक्सचेंज कर सकती हैं। ये वाली सर्विसेज इससे कुछ सर्विसेज लेगी, उन सर्विसेज को अपने साथ ग्रुप करेगी और क्लाइंट को प्रोवाइड कर देगी, ठीक है। इसकी एग्जांपल मैं देती हूँ गूगल डॉक्स से। गूगल डॉक्स में हम अगर जाएं सर्विसेज वाले ऑप्शन में, तो वहां पर हम ये भी स्पेलिंग चेकर को अगर क्लिक करें तो उसे क्या होगा, हम कहेंगे जैसे जैसे हम टाइप कर रहे हैं ना, साथ साथ हमारी स्पेलिंग भी चेक होती रहे। तो गूगल डॉक्स तक सर्विस थी, उस स्पेलिंग चेकिंग जो थी ना वो गूगल डॉक्स ने दूसरी सर्विस से ली, उससे अपने साथ मर्ज किया और यूजर को प्रोवाइड कर दिया। तो इससे क्या होगा, जब यूजर टाइप करेगा तो साथ साथ उसकी स्पेलिंग चेकिंग भी होती रहेगी, ठीक है। अच्छा अब सर ये होती है हमारी वेब सर्विसेज। हमारी जो वेब सर्विसेज होती हैं उनके थ्रू दो सर्विसेज आपस में डेटा को कम्युनिकेट कर सकते हैं, डेटा को एक्सचेंज कर सकती हैं, ठीक है। इसी तरह हमारी जो होती हैं क्या कहते हैं उसको, वेब सर्विसेज ये दो एप्लीकेशंस को भी आपस में कम्युनिकेट करवाती हैं, ये दो मशीन्स को भी आपस में कम्युनिकेट कराती हैं। यानी एक मशीन से डेटा लिया और दूसरी मशीन को दे दिया, एक मशीन से एक एप्लीकेशन से डेटा लिया और दूसरी एप्लीकेशन को दे दिया, दो एप्लीकेशंस को, दो मशीन्स को, दो सर्विसेज को आपस में कम्युनिकेट करने में हेल्प करती हैं। अब सब वेब सर्विसेज वाले पोर्शन में जाके इसे देखते हैं मजीद, और ये जो मैंने SOA यहाँ पर लिखा हुआ है इसे हम इस पॉइंट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए मेरी बात सुने, जो वेब सर्विसेज होती है ना, सेल्फ डिस्क्राइबिंग एंड स्टेटलेस मॉड्यूल्स होते हैं। स्टेटलेस का मतलब ये है कि ये जो जब दो सर्विसेज ने आपस में, एक सर्विस ने दूसरी सर्विस से जब उसकी कुछ चीज़ें लेनी थी तो वेब सर्विस के थ्रू ली, ठीक है। लेकिन अब वो वेब सर्विस जो है वो इस चीज़ का रिकॉर्ड नहीं रखती, वो स्टेटलेस होते हैं, वो हिस्ट्री मेंटेन नहीं करती, ठीक है। इसके अलावा ये बात है कि ये जो वेब सर्विसेज होती हैं ना, जब हम इनमें एक सर्विस दूसरी सर्विस से या एक एप्लीकेशन दूसरी एप्लीकेशन से जब कम्युनिकेट करती हैं ना, तो ये एक लैंग्वेज यूज़ करते हैं XML। ये एक जिस तरह HTML एक लैंग्वेज है, इस तरह XML भी एक लैंग्वेज है। मतलब एक एप्लीकेशन ने दूसरी एप्लीकेशन से डेटा लेना है तो वो क्या करेगी, वो XML में मैसेज टाइप होगा, ठीक है। वेब सर्विस के थ्रू वो मैसेज जो है वो दूसरी एप्लीकेशन के पास जाएगा, वो दूसरी एप्लीकेशन जो होगी वो जो रिस्पॉन्स होगा उसका वो भी XML में होगा, ठीक है। तो ये जो वेब सर्विसेज हैं ये XML की लैंग्वेज को यूज़ करती हैं, ठीक है। अच्छा इसमें मज़े की बात ये है कि ये जो वेब सर्विसेज होती हैं ना, ये जब मैंने कहा कि दो एप्लीकेशन के दरमियान डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए एक एप्लीकेशन को दूसरी एप्लीकेशन का डेटा चाहिए, तो उसके लिए वेब सर्विस को यूज़ करते हैं। डेटा ट्रांसफ़र तो इंटरनेट पे ही होता है, लेकिन वेब सर्विस क्या करती है कि एक एप्लीकेशन से डेटा लेती है और दूसरी एप्लीकेशन को वो डेटा प्रोवाइड कर देती है, ठीक है। ये काम होता है वेब सर्विस का। डेटा ट्रांसफ़र तो इंटरनेट पे ही होता है, लेकिन वेब सर्विस का काम है कि एक एप्लीकेशन से डेटा लेना और दूसरी एप्लीकेशन को डेटा दे देना, ठीक है। तो एक एप्लीकेशन जावा में लिखी हुई है, दूसरी जेंगो में लिखी हुई है, ठीक है। तो वेब सर्विस जो है वो लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है, बेशक एक जावा में है दूसरी जेंगो में है, वो इससे डेटा लेगी और दूसरी को प्रोवाइड कर देगी, ठीक है। और हमारा इसी तरह जो दो मशीन्स के दरमियान क्या होगा कि एक का लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक का विंडो का, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एक से डेटा लेगी दूसरे को प्रोवाइड कर देगी। सर्विसेज में भी यही भी हिसाब है कि ये जो ना लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है और ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिपेंडेंट है, ठीक है।
अब होता क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ वेब सर्विस प्रोवाइड्स ऑफर एपीआई, ये एपीआई हमें प्रोवाइड करती हैं। मैं आपको एक इसकी एक एग्जांपल देती हूँ कि इस सर्विस ने ना इस सर्विस से कहा है कि मुझे तुम अपनी सर्विसेज दे दो, ये कहता है मुझे अपनी सर्विसेज दे दो, मैं तुम्हारी सर्विसेज लेके अपने साथ कंबाइन करूँगा और मैं अपने यूज़र को प्रोवाइड कर दूँगा। लेकिन इससे क्या होगा, इसको पूरा एक्सेस मिल जाएगा इस तक, लेकिन वेब सर्विस ऐसा होने नहीं देती क्योंकि इससे सिक्योरिटी का इशू होता है। वो इसके बीच यहाँ एक एपीआई लगा देती हैं, ठीक है। एपीआई से क्या होता है कि जितना इसको डेटा चाहिए ना, वो एपीआई यहाँ से डेटा लाएगी और इसको दे देगी, इसको डायरेक्ट इसके तक एक्सेस नहीं होगी, इसको डायरेक्ट यहाँ तक एक्सेस नहीं होगी, बीच में एक एपीआई लगी होगी और वो एपीआई जो है वो जितना डेटा इसको चाहिए उतना इससे लेगी और इसको दे देगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेब सर्विस प्रोवाइडर ऑफर एपीआई दैट इनेबल डायरेक्ट टू एक्सप्लॉइट फंक्शनैलिटी ओवर द इंटरनेट रेदर देन डिलीवरिंग द फुल ब्लाउन एप्लीकेशन, के बजाय उसको फुल सर्विस या फुल एप्लीकेशन दे दी जाए, उसको उतना डेटा दिया जाता है जितना उसको ज़रूरी है, किसी डिवेलपर को ज़रूरी है। यहाँ डिवेलपर का वर्ड यूज़ किया गया है, यहाँ पर हम अब डेवलपर का वर्ड इस लिहाज से यूज़ किया गया कि एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को किसी दूसरी एप्लीकेशन का डेटा चाहिए, ठीक है। लाइक हम लोग ना, मैं इसके एग्जांपल देती हूँ कि बहुत सी हमारे पास एप्लीकेशन है जो कि गूगल मैप हमें शो करवाती हैं। अब वो ये गूगल मैप का डेटा पता है कहाँ से देती हैं, वो हमें मैप शो करवाती हैं, सिंपली सॉरी मैप शो करवाती हैं कि जी आपका जो पार्सल है ना वो अभी यहाँ पर है, इस रूट पर है। वो एप्लीकेशंस क्या करती हैं, जब उन एप्लीकेशन को बनाया जाता है तो एपीआईस वहाँ पे लगाई जाती हैं, तो वो अच्छा एपीआई वहाँ पे लगाई जाती है कि ना, ये होता ये है कि ना वो एप्लीकेशन जाती हैं गूगल मैप के पास, गूगल मैप को जाती हैं हमें आपसे मैप चाहिए, गूगल मैप तक डायरेक्टली एक्सेस नहीं होती उन्हें, बीच में एक एपीआई लगी होती है। वो एपीआई क्या करती है, गूगल मैप को इस एप्लीकेशन की रिक्वेस्ट पहुंचाती है, फिर गूगल मैप से उसे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है और डेटा देता है, वो एपीआई फिर डेटा हमारी उस एप्लीकेशन को दे देती है, ठीक है। तुम्हारी बहुत सी एप्लीकेशन, इस तरह हम लोग कहते हैं साइन इन विद गूगल, साइन इन विद फेसबुक, वो पता क्या तरीका होता है, वो यही तरीका होता है कि देखिए अब एक एप्लीकेशन जो है, जिस तरह मैंने अभी फूड ऑर्डरिंग या हमारी जो ऑर्डर वाली वेब एप्लीकेशन की बात की कि वो मैप कहाँ से ले रही है, गूगल मैप से ले रही है, तो दो एप्लीकेशन आपस में एक दूसरे को डेटा दे रही हैं, ठीक है, तो किसके थ्रू दे रही हैं, एपीआई के थ्रू दे रही हैं। अच्छा ये बात क्लियर होगी आपको। तो इसी तरह हम जब साइन इन विद गूगल साइन इन विद फेसबुक करते हैं तो कुछ एप्लीकेशंस ये जो यूज़र को वेरिफिकेशन का काम होती हैं फेसबुक और गूगल पर डाल देती हैं कि वो फेसबुक और गूगल भी तो यूज़र को वेरीफाई करते हैं ना, तो हम भी यूज़र को इनके थ्रू ही वेरीफाई कर लेते हैं। वो क्या करती हैं, जब हम साइन इन विद फेसबुक या गूगल करते हैं तो वो गूगल के पास जाते हैं, कहते हैं ये यूज़र वैलिडेट है, गूगल ना फेसबुक की एपीआई के पास जाते हैं, वो बताते हैं जी ये यूज़र वैलिडेट है, तो वो उसे रिस्पॉन्स दे देते हैं। तो इस तरह ये सारा काम होता है, इस तरह दो सर्विसेज आपस में एक दूसरे का डेटा लेती हैं, दो एप्लीकेशन आपस में एक दूसरे का डेटा लेती हैं, दो मशीन आपस में एक दूसरे का डेटा लेती हैं, और किन के थ्रू, एपीआई के थ्रू, और वेब सर्विस हमें एपीआई प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। अच्छा वेब सर्विस में एक्सएमएल लैंग्वेज यूज़ होती है, मैं बता चुकी हूँ। इस तरह हम क्यों एक्सएमएल को यूज़ करते हैं, इन चार वजहों से, कि एक्सएमएल हमें ऑन वे रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, सॉलिसिट रिस्पॉन्स एंड नोटिफिकेशन, ये चार चीज़ें प्रोवाइड करती है, इस वजह से हम एक्सएमएल को यूज़ करते हैं वेब सर्विस के अंदर। अब ये जो वेब सर्विस डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज लिखी हुई है ना, ये क्या है, ये वेब सर्विसेज का एक कंपोनेंट है। देखिए हमारी सर्विसेज के साथ एक डॉक्यूमेंट लगा होता है जिसमें लिखा होता है कि ये सर्विस कहाँ पे पड़ी हुई है, ये सर्विसेज आपको, ये वेब सर्विस आपको क्या क्या प्रोवाइड करेगी और ये आपकी एप्लीकेशन के साथ क्या क्या करेगी, ठीक है। मतलब वेब सर्विस की पूरी डिटेल लिखी होती है, उसका एड्रेस लिखा होता है, वो एक डॉक्यूमेंट होता है, उस डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं वेब सर्विस डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो ये वो डॉक्यूमेंट होता है। बहरहाल आगे चलते हैं हम सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर के ऊपर। सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर क्या होता है हमारे पास, देखें सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर ये होता है कि ना यहाँ पे हमें सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर ने ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया हुआ है, एक ऐसा आर्किटेक्चर प्रोवाइड किया हुआ है जिसके थ्रू दो सर्विसेज आपस में जो है ना वेब सर्विस के थ्रू एक दूसरे से डेटा को, एक दूसरे से एक दूसरे की सर्विसेज को ले रही हैं।
इसने एक ऐसा आर्किटेक्चर, एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया हुआ है क्लाउड के ऊपर, जिसके थ्रू दो सर्विसेज वेब सर्विस के थ्रू एक दूसरे से डेटा ले रही हैं। ठीक है, तो ये है बस सिंपल सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर का काम। सर्विस ओरिएंटेड कलेक्शन ऑफ सर्विसेज विच कम्युनिकेट विद ईच अदर, कलेक्शन ऑफ सर्विसेज होता है इसके इसके अंदर जो कि एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं थ्रू वेब सर्विसेज। ठीक है, यूजली इम्प्लीमेंटेड बाय अ वेब सर्विस मॉडल, मैंने पहले ही बात की कि दो सर्विसेज आपस में कम्युनिकेट करती हैं यूजिंग वेब सर्विस। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर इज एसेंशियली अ कलेक्शन ऑफ सर्विसेज, अ कलेक्शन ऑफ सर्विसेज विच कम्युनिकेट विद ईच अदर यूजिंग वेब सर्विस मॉडल। चलें, ये तो हो चुका होगा आप लोगों को क्लियर। नेक्स्ट जो बात है वो ये है कि क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या होता है। देखिए, क्वालिटी ऑफ सर्विस पे कोई भी जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता। दो तरह से क्वालिटी ऑफ सर्विस होती है, एक यूजर लेवल पे, एक टेक्नोलॉजिकल लेवल पे। यूजर लेवल पे हम वेब क्वालिटी ऑफ सर्विस को इस तरह समझ सकते हैं कि देखिए, अगर आपने एक सर्विस मांगी है ना, तो आपको अपने प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस मांगी है कि मैं अपनी एप्लीकेशन को बिल्ड करना चाहती हूँ, तो आपको प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस ही प्रोवाइड की जाए, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस ना प्रोवाइड कर दी जाए। ठीक है, ठीक है, तो ये बात है। और अगर आप टेक्नोलॉजिकल और इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से भी देखें कि अगर हमने चिकन मंचूरियन मंगवाया है, तो हमें चिकन मंचूरियन नहीं मिलना चाहिए, चिकन शाश्लिक नहीं मिलना चाहिए। इन दोनों में थोड़ी सी सिमिलैरिटीज है ना, तो इस लिहाज से हमें अक्सर रेस्टोरेंट्स वाले धोखा दे देते हैं, चिकन मंचूरियन के नाम पर शाश्लिक दे दिया जाता है। तो क्वालिटी ऑफ सर्विस ये है, जो एक अच्छा यूज़र होगा वो इन दोनों में डिफरेंस जानता होगा, तो जिसे टेस्ट का पता होता है। तो इसलिए कहते हैं कि क्वालिटी ऑफ सर्विस जो यूज़र के लिहाज से, उसमें ये है कि जो यूज़र ने मांगा है ना, उसे वही दिया जाए। टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन में ये आता है, या मैंने कहा ना कि क्वालिटी ऑफ सर्विस को दो लिहाज से देखा जाता है, यूज़र के लिहाज से, टेक्नोलॉजी के लिहाज से। तो टेक्नोलॉजी के लिहाज से ये चीज़ इसके अंदर आ जाती है कि ना, देखें हमारी जो एप्लीकेशन है ना, सॉरी एप्लीकेशन इस लिहाज से देखा जाएगा कि अगर ना मुझे वो कह रहा है कि जी देखें, ये हमने आपको ग्रिल चिकन दी है, ठीक है, ये ग्रिल्स पे बनाया हुआ चिकन है। अब ये ग्रिल चिकन मैंने ऑर्डर किया ग्रिल चिकन, तो मुझे वो ग्रिल पे ही बना हुआ चिकन प्रोवाइड किया जाए, ना कि मुझे वो जो जो है ना उसको चूल्हे पर ही बनाकर, उसको जो है ना उसको आग पर ही सेक कर मुझे दे ना दिया जाए, बल्कि मुझे उसको ग्रिल करके दिया जाए, मुझे उसको कुक करके ना दे दें, ठीक है, मुझे वो उसको ग्रिल करके ही दे, ठीक है। ये चीज़ आ जाती है इसके अंदर कि मुझे तो वो प्लेटफॉर्म ऐसा सर्विस ही दे रहे हैं, ठीक है, तो लेकिन पीछे क्या है कि वो कह रहे हैं कि प्लेटफॉर्म ऐसा सर्विस है, लेकिन असल में क्या है कि वो मुझे कह रहे हैं कि प्लेटफॉर्म सर्विस, आप इस पर अपनी एप्लीकेशन बिल्ड कर लें, ठीक है, लेकिन या फिर वो मुझे कह रहे हैं कि ये जो आपका जो डेटा है ना, इसको हम स्टोर करवा रहे हैं। अव्वल तो लोकेशन नहीं बताई जाती कि इस लोकेशन पे स्टोर करवा रहे हैं, लेकिन हमें कह रहे हैं कि आपका डेटा यहाँ से स्टोर करवाया जा रहा है, आप कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है, हमारा डेटा कहीं और स्टोर करवा देते हैं। वैसे अव्वल तो ये चीज़ बताई नहीं जाती कि आपका डेटा किस सर्वर पर स्टोर हो रहा है, लेकिन मैंने एक एग्जांपल देने के लिए, एक समझाने के लिए एग्जांपल दिया है कि आपको कहा जा रहा है कि जी आपका डेटा सर्वर 1 पे स्टोर किया हमने, लेकिन आपका डेटा सर्वर 3 पे स्टोर किया हुआ हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। या आपको ये कहा गया हो कि आपको जो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, ये हम अमेरिका से लेके आए हैं, अमेरिका के में जो हमारा डेटा सेंटर है ना, वहाँ से हमने ये सर्विसेज जो है ना यहाँ पर उन्हें माइग्रेट किया और आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में कहा क्या हो कि वो सर्विसेज कहीं और से लाई गई हो, तो ऐसा ना हो, ठीक है। तो ये थी इसकी एक एग्जांपल। सर्विस लेवल एग्रीमेंट में क्या होता है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट में ये होता है हमारे पास कि एक ना एग्रीमेंट जो होता है वो यूज़र क्लाइंट के दरमियान डील हो जाती है कि कितनी थ्रोपुट होगी, क्या रिस्पॉन्स टाइम आएगा, अगर हम लोग अगर सर्विस प्रोवाइडर हमें वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं करते तो पेनल्टीज़ क्या होंगी। पेनल्टीज़ होती हैं जुर्माना, तो जुर्माना क्या होगा उनका, यही होगा कि फिर यूज़र उन्हें पे नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं सर्विस लेवल एग्रीमेंट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, उसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। अगर आपको समझ ना आई हो तो आपने कमेंट में मुझे बताना है, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आपने इसे लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफ़िज़।